पूरा किया जा सकता है। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, उसी तरह बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेगा। 8 और 6 कैल्शियम 24। ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क 24 बट्टा में 7, इसका पूर्णांक निकालेंगे, 7 21, 21 3 24, 3 पूर्णांक 3/7 दिन आंसर। एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और भी उसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो ए किसी काम को 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है, दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 10। ए 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क मेरा 10 है तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 1 10, 3 पूर्णांक 1/3 आंसर। एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, यदि एक्स अकेला उस काम को 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कितने घंटों में कर सकेगा? एक्स प्लस वाई इसकल टू 8 घंटा, जबकि एक्स अकेला उस काम को 12 घंटा में करेगा, तो 8 12 कैल्शियम 24। एक्स और वाई 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक उसी प्रकार एक्स 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसका मतलब वाई 1 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क 24 है तो कह रहा है वाई अकेला उसे कितने घंटों में काम करेगा, तो वाई अकेला उसे कितने घंटों में काम करेगा? तो टोटल वर्क बट्टा एक मतलब 24 24 घंटों में।